वैसे धमाकेदार तो होती थी वो पुरानी स्टूडियो वाली पिक्चर्स जहां आप चूज कर सकते थे अपना बैकग्राउंड। कभी होती थी कश्मीर की पहाड़ियां, कभी सिक्किम की वादियां, कभी कोणार्क का टेंपल या फिर मुंबई का हैंगिंग गार्डन या सात समुंदर पार नायग्रा फॉल्स। कुछ ऐसी ही धमाकेदार है हमारी अगली स्टोरी जो यहां पर कर रही है आपका इंतजार। सेजल और हर्ष की बढ़ती नजदीकियां, योहान को हुई जलन, क्या मिल पाएंगे योहान और सेजल? कलर्स के सीरियल स्पाई बहू में योहान पहुंच गया है सेजल के घर, लेकिन यहां पर पहुंचते ही उसे देखने को मिला सेजल और हर्ष के बीच एक रोमांटिक मोमेंट। लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट योहान के नजरिए से है, असल में तो हर्ष सेजल की मदद कर रहा है क्योंकि प्रेग्नेंट सेजल गिर रही होती है कि तभी वह हर्ष आकर उसे संभाल लेता है। लेकिन ये नजारा देखकर योहान गुस्से से हो गया है लाल पीला। मेरी याददाश्त जा चुकी है और अब झूठी ऐसा तुम्हें लग रहा है? योहान को तो भरोसा ही नहीं है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। पता नहीं इतने झूठ बोल चुकी है, अब यकीन नहीं कर पा रहा हूँ एक से भी। तो बच्चा किसका है? मेरा है ना? वो भी याद नहीं है मुझे। तो मेरी याददाश्त जा चुकी है और मैं यहाँ पर रह रही हूँ और योहान को फाइनली पता चल गया है कि सेजल यहाँ रह रही है और सेजल प्रेग्नेंट है और यहाँ पर मेरे साथ हर्ष है, बापूजी है। तो हर्ष को देख के आई थिंक योहान को अच्छा नहीं लग रहा है। भाई योहान को लगता है कि सेजल याददाश्त जाने का नाटक कर रही है और इसीलिए वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और सेजल योहान के साथ घर चली आए। लेकिन सेजल को तो कुछ भी याद नहीं है, उसे तो ये तक याद नहीं कि उसके पेट में पल रहा बच्चा योहान का ही है। पता नहीं, मैं तो इसको लेके जाऊंगा वापस, उठा के ले जाऊंगा अगर नहीं मानेगी तो। जबरदस्ती इसको पाठ पढ़ा के ना कि तुम से चलो चलो। हाँ, योहान यहाँ पर बेसिकली अब कोशिश करने आया है कि वो अपनी एक्स वाइफ और प्रेजेंट बच्चे के साथ अपने करंट हाउस में अपनी प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड के साथ चले जाए। हाँ, मतलब बेसिकली योहान इज ट्राइंग कि अब सेजल को वापस ले जाऊं और किसी भी तरह इसका बच्चा इसके घर में पले टाइप्स। धोखा वोखा आई अंडरस्टैंड, धोखे वोखे बहुत मिले मुझे, बहुत दर्द है मेरे दिल में, लेकिन बच्चा मेरा भी है। ओ, यहाँ से आगे राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे यहीं पर। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। योहान का भी काफ़ी स्ट्रगल होगा मुझे मनाने में कि यही मेरे हस्बैंड है और ये इसी का बच्चा है और क्या हुआ था मेरे साथ पास्ट में और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट यू ऑल विल गेट टू सी। चाहने वालों के लिए अब क्या कहूँ, चाहने वाले जो थे वो तो भूल गए सब चाहना वाना। याददाश्त मेरी गई है, फैंस की नहीं। फैंस की। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए, और ऐसी प्यार देते रहिए और ऐसी शो देखते रहिए और बहुत अच्छी कहानी आने वाली है आगे। और आई थिंक इस तरह की लव स्टोरी आपको अभी तक तो नहीं दिखी होगी लेकिन अब दिखेगी, लव और हेट एक साथ दिखेगा आपको योहान का, और वो काफ़ी मुश्किल है। वैसे योहान सेजल से प्यार तो बहुत करता है, तभी तो सेजल को चोट लगी तो देखिए कैसे वो उसकी केयर करने लगा। तो भाई अब देखना होगा कि क्या योहान सेजल को वाकई घर ले जा पाता है या फिर कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।